तो ये गाइस व्हाट्स अप, दिस इज फोर्थ एम्पायर, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हिंदुस्तानी बहू हमेशा सच का साथ देती हैं और कहीं भी कोई भी गलत होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाती हैं। उनको ये वीडियो देख के आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि हिंदुस्तानी बहू हमेशा सच के लिए ही खड़े होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा चाइना इंडिया की पत्थरबाजी में हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे। इसके ऊपर हिंदुस्तानी बहू चाइना को धमकी देते हुए समझाए हैं निवासी भारत के अंदर कोई भी काम कर रहा है तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। खुद ही देख लीजिए हिंदुस्तानी बहू अपने इस वीडियो में क्या कही। जय हिंद दोस्तों, 100 बात की एक बात, चाइना तेरी माँ का फोसड़ा, तेरी माँ की चूत, और जितने भी इंडिया में चाइनीज है या कोई काम पे रखा होएगा तो पहली फुर्सत में भगाओ। हाँ, उनके साथ आप लोग भी फटके खाना चाहते हैं? नहीं ना, उन लोग को भगाने का। हाँ, इधर एक भी चाइनीज नजर आया गांड में चिकन चिल्ली नूडल्स सब डाल देंगे। हाँ, ये नहीं चाहिए अभी। और यहाँ के जो महान लोग हैं जो अभी तक टिकटॉक डिलीट नहीं किया है, शर्म करो। हाँ, शर्म करो, नाम के लिए देशभक्त मत बनो, शर्म करो। हाँ, और जितना हो सके जल्दी टिकटॉक डिलीट करो, कुछ तो योगदान करो ये देश के लिए। हमारे 20 जवान जो ये भड़वों के साथ लड़ते लड़ते जो शहीद हुए उनको पहला तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके पूरे फैमिली के साथ पूरा हिंदुस्तान है। आपने जो ये भारत माता के लिए अपने देश के लिए जो किया है ये हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। ये हिंदुस्तान आपके साथ है, आपके फैमिली के साथ है, आपको शत शत नमन है इसके लिए। और मोदी जी अभी ये लुपा छुपी का खेल बस हो गया। अभी इनको इज्जत वाली बात समझ में नहीं आती, समझदारी की बातें समझ में नहीं आती। पूरा हिंदुस्तान आपको बोल रहा है आपके सपोर्ट में, एक ही बार घुसो इनके मां के चूत में लौड़ा डाल दो। इज्जत वाली बात समझ में नहीं आती है तो नहीं आती है तो इनके मां को चोदना जरूरी है, इनको बताना जरूरी है अपने हिंदुस्तान का पावर क्या, इनको बताना जरूरी है। तो अभी बस करो ये लुपा छुपी का खेल। जब हिंदुस्तान जिसने आपको इतना बड़ा बनाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो लोग ही बोल रहे हैं कि अभी बस इनका फुल एंड फाइनल कर दो, ये रोज रोज का रोना धोना नहीं मांगता है। हाँ, एक ही बार घुसो इनकी मां को चोट डालो, बस करो अभी। ये जवान रोज शहीद हो रहे हैं, रोज शहीद हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? या मैं रहने वाले गद्दार मादर चोत जो आर्मी पे सवाल उठाते ना उनके लिए बता रहा हूं, किसके लिए हो रहे? अरे तुम लोग की मां का भोसड़ा तुम्हारी, किसके लिए हो रहे उन लोग शहीद? हा, उनकी पर्सनल दुश्मनी है क्या उधर? हा, उनकी पर्सनल दुश्मनी है? तुम्हारी मां का भोसड़ा तुम्हारी, शर्म करो अभी तो, तुम्हारी मां की चूत। एक जन का भोसड़ी वाले का आवाज नहीं उठ रहा अभी तक कि हम इंडियन आर्मी के साथ है। तुम्हें तो सबक सिखाएगी ये जनता, सिखाएगी, समझा? और ये कोने वो मीडिया वाले तुम्हारी मां का भोसड़ा तुम्हारी, झूठी न्यूज क्यों फैला रहे तुम लोग की मां की चूत तुम्हारी? एकता कपूर ने माफी मांगी, किधर है वीडियो बताओ? बताओ वीडियो, तुम लोग की मां की चूत तुम्हारी कि उसने माफी मांगी है? बताओ, तुम्हारी मां का भोसड़ा तुम्हारी, कुछ पैसों के लिए मादर चोर अपना ईमान बेच देंगे तुम लोग? अरे मां की चूत तुम्हारी, बताओ तुम्हारी मां का भोसड़ा कभी मांगी उसने माफी? बताओ क्यों लोगों को चुतिया बना रहे हो? जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इंडियन आर्मी से और उनके फैमिली से माफी नहीं मांगेगी तब तक ये हिंदुस्तान उसको माफ नहीं करेगा। कितने भी अपनी तुम लोग मां चुदाओ, लिखो ऐसे कि एकता कपूर ने माफी मांगी, कभी मांगी? जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं देखेगा वीडियो में तब तक उसको माफ नहीं करेंगे, समझा? तो अपना दिमाग कम चलाओ, क्योंकि जब हम चलाना चालू करेंगे ना, हाँ, घर पे बैठना पड़ेगा,
तो दिमाग कम चलाओ, ईमानदार बनो ये देश के। तुम लोग जैसे कुछ माधर चोदों के वजह से सारे रिपोर्टर सारे माधर चोद मीडिया का नाम खराब होता है। भोसड़ी वाले 2-5 हजार में बिकते माधर चोद। और एकता कपूर तेरे को बोल रहा हूं मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जितनी तेरी ताकत लगा रही है ना लगा ले, समझा। उस दिन मैं गया था चेंबूर, एक आर्मी ऑफिसर को लेके, रिटायर आर्मी ऑफिसर को, इसके खिलाफ कंप्लेंट करने को। इन लोग ने क्या किया, वो आर्मी ऑफिसर रिटायर ऑफिसर उसके खिलाफ FIR बनवा दिया, मेरे खिलाफ FIR बनवा दिया। उसका तो अभी तक आ गया उसके हाथ में नोटिस, मेरा जब आएगा ना तब मैं बताऊंगा। अभी मेरे ऊपर कितने भी केस बनाओ तुम लोग, कितना भी मेरे को दबाने की कोशिश करो, घंटा नहीं रुकने वाला हूं मैं, जब तक मेरे इंडियन आर्मी को इंसाफ नहीं मिलता है मैं पीछे हटने वाला नहीं। कोई मिनिस्टर, कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर, कोई मेरा सपोर्ट दे या नहीं दे, कोई मुझे अभी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे पास हम लोग भीख मांगने नहीं आ रहे, हम लोग ने तुम लोग को बिठाया है वो गद्दी पे, समझा। अभी तुम लोग के पास भीख नहीं मांगेंगे हम लोग, जितना मेरे पे केस करना है कर लो, मगर मैं लड़ूंगा अभी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, समझा। न्याय के लिए गए थे वहां पे, न्याय मिलेगा करके चेंबूर पुलिस स्टेशन में, वो सीनियर मैडम उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ हैं न्याय देंगे, उसने हमारे ऊपर ही केस कर दी, FIR बना दिया। ये न्याय है, ये सिस्टम न्याय दे रही है हम लोग को, परवाह नहीं, ऐसे कितने भी FIR बने परवाह नहीं। ये जवानों के लिए कुछ भी हो ना हम लोग के साथ परवाह नहीं, मगर तुम लोग गलत कर रहे हैं अभी, और इसका जवाब तुम लोग को देना पड़ेगा। पीछे नहीं हटेगी अभी ये हिंदुस्तान, समझा ना, हिंदुस्तान की जनता पीछे हटने वाली है। एक एक को लेंगे हम लोग, हिसाब से लेंगे, देख लेना। और दूसरी बात, वो अंकित राजपूत, उसको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है, समझा, किसी की सगी नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर बाहर से आने आके बड़ा बनने का कोशिश करता है ना, ये इंडस्ट्री बड़ा बनने नहीं देगी। इसके लिए मैं कंगना रनौत के साथ है कि उसका करियर बर्बाद करने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी वो खड़ी हो गई। तो जितने भी स्ट्रगलिंग, जितने भी एक्टर है, ये हिंदुस्तान आपके साथ है, ऐसे लोगों की ये इंडस्ट्री में। और एक कोई कन्या राशि है वो छाटू भड़वा, सबका सबको जवाब मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा। हाँ, तुम लोग ज्यादा लाड़ में आए थे ना, तुम लोग के गांड से लाड़ निकालेंगे अभी, अभी तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ये देश के साथ, तो हम लोग तुम लोग के साथ खड़े रहेंगे। अगर तुम लोग हम लोग के साथ नहीं, तो तुम लोग कुछ भी करो, तुम्हारी गांड मारे पूरा इंडस्ट्री, हमको भी कुछ करने का नहीं। फिर तुम लोग हम लोग के साथ नहीं, हम लोग भी तुम्हारे साथ नहीं, निकलो पहली फुर्सत में तुम लोग भी, समझा। और ऐसे ही फिर जो जवान मरते जाएंगे, फिर ये इंडस्ट्री में जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, उनकी ये लोग ऐसी गांड मारेंगे। तो तुम लोग भी मरो, अगर हमारे साथ नहीं देते तो तुम लोग का भी हम लोग नहीं साथ देंगे, समझा क्या। एकता माफी मांग, कबूतर साली कुछ भी कर, कुछ भी उखाड़ ले, पीछे नहीं हटने वाला हूं। दोस्तों, आपको हिंदुस्तानी भाऊ का ये मुद्दा तो समझ में आ गया होगा कि वो एकदम पूरी तरह से समर्थन करते हैं हिंदुस्तानी भाऊ का। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।